कांग्रेस ने लहरा दिया देश भर में पंचम, फूल मालाओं और डीजे के साथ किया गया स्वागत। बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के नव नियुक्त अध्यक्ष दीपक वैज का राजधानी रायपुर के माना एयरपोर्ट पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश भर से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ अपने नए अध्यक्ष का फूल मालाओं और डीजे की धुन पर स्वागत किया। माना एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस मुख्यालय राजीव गांधी भवन तक 3.5 घंटे से अधिक समय लगने लगा। प्रदेश अध्यक्ष का यह जगह जगह विरोध और स्वागत देखकर सारे जगह जश्न की तैयारी भी शुरू हो गई। राजीव भवन में लड्डू से तोला गया, अतिशी बाजी की गई। राजीव गांधी भवन पहुंचने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में दीपक बैज ने मंत्री एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान प्रदेश भर से आए कांग्रेस के सांसद, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी जोश और उत्साह से उनको स्वागत किया। देश भर में कांग्रेस की एक नई होश और आवाज को देखकर यहाँ कुछ लोग, विपक्षी पार्टी पूरी की पूरी ध्वस्त होती दिख रही है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी उभर कर नए एकदम जोश के साथ देश को ऊंचा उठाने में मददगार हो रहा है, तो वहीं बीजेपी इसको गिराने में तुली हुई है। तो इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।